हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे अगर आपके प्रिंटर में इशू आ रहा है, ये जो ब्रदर प्रिंटर है मेरे में ये इशू आ रहा है कि जो थोड़ा प्रिंक है जो मैजेंटा इंक की थोड़ी दिक्कत दे रहा है। तो अभी तक ठीक है, मतलब काफ़ी बेस्ट मोड में अच्छा प्रिंट आ जाता है जैसे से। तो किसी किसी प्रिंटर्स में इशू आ रहा था कि इंक आ नहीं रही, तो उनके लिए ये वीडियो है, तो आप देखिए कैसे मैं करूँगा ठीक। तो इसके लिए आपको मेंटेनेंस मोड में जाना है। कैसे जाना है वो तो आपको पहले मेन्यू मोनो मेन्यू मेंटेनेंस मोड आ गया, इसके में आपको 76 करना है। 76 करने में 3 दबा देना है आपको, 3 में आया पावर ऑल आएगा। अगर आपके में सारे सब में तो आपके में पावर ऑल आ गया, अगर आपके में सब में दिक्कत आ रही है तो आप पावर ऑन करके मोनो दबा दीजिए, पर मेरे में एक में दिक्कत आ रही है। तो मैं इस लेफ्ट एंड राइट से आप सर्च कर सकते हैं, मेरे में मजेंटा में दिक्कत आ रही है, तो मजेंटा ये रहा, इसको मैंने मोनो मोनो दबा दबा के हो गया। अगर इससे सॉल्व हो जाती है इशू तो ठीक है, अगर नहीं होती तो प्रिंट हेड क्लीन होगा, पर इसका प्रिंट हेड मैंने क्लीन कर चुका हूँ तो इसका इशू नहीं है। अगर ऐसे ही आता रहा तो मैं प्रिंटिंग यूज़ करता रहूँगा तो अपना ठीक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं क्लीनिंग से भी ठीक होता है, ये हम यूज़ करते हैं तब भी ठीक हो सकता है। क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, ये फर्स्ट क्लीनिंग अटेम्प्ट है। ऐसा भी होता है कि किसी में ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो मैं देखता हूँ कैसा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले से इशू काफ़ी सही है। इससे आप मैच करो, इससे मैच करो। तो एक लास्ट टाइम एक और क्लीन कर देता हूँ, अगर इसमें ठीक होता ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं इसको यूज़ करके अपना ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मैं क्लीन नहीं करूँगा। इससे क्या होता है, ज़्यादा क्लीनिंग से आपका इंक भी वेस्ट होती है, जो इंक बॉक्स से फुल जाता है, तो इसलिए ज़्यादा क्लीनिंग से कोई मैटर होता नहीं है। इंक मेरी ओरिजिनल इसकी मतलब कंपेटेबल इंक है, जर्सी प्रिंटर के लिए बनी है, मतलब ब्रदर्स प्रिंटर के लिए, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अभी क्लीन करके चलाऊँ उसको। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, मेन्यू मोनो 76 3, दो बार राइट करा है एंड मोनो। तो अब मैं वीडियो पॉज करके आपको फिर से दिखाता हूँ। तो मैंने सेकेंड क्लीनिंग करके भी कुछ इसमें प्रिंट आया, पर इतना बढ़िया नहीं आया जो पहले के मुकाबले आया। और मैंने थर्ड क्लीनिंग करके आपको प्रिंट दिखाता हूँ उसमें कैसे प्रिंट आ रहा। तो इसमें पेजेस ख़त्म हो गए, मैं डालता हूँ पेजेस मैं डाल दिए, मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो उसका टेस्ट प्रिंट आ गया, तो आपका पूरा एग्जैक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट कम है इसमें, बाकी प्रिंट पूरा ओके है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।
अगर कोई भी इशू आपके प्रिंटर में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो जो भी मेरे मुझे समझ आया तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो थैंक यू, गुड बाय।